हाय गाइस, मैं हूँ वाई। तो आप देख रहे हैं मेकिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 50 लीटर का गीज़र, क्योंकि आप 50 लीटर का गीज़र मार्केट में लेने जाओगे बहुत ही महंगा मिलेगा। आप 10,000-12,000 या तक कि 15-16,000 तक का भी मिलेगा, क्योंकि हमने वो गीज़र घर में ही तैयार करेंगे। जरूरी नहीं आप 50 लीटर का तैयार करो, आपके इच्छा अनुसार आप 50 लीटर का भी कर सकते हैं या 20 लीटर का, 15 लीटर का। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको गीज़र बनाते हुए दिखाते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम बजट में बन गया, उसका मैं आपको बता दूँगा कितने रुपये बन गया है। मैंने इसके पहले भी 2 गीज़र बनाए हैं, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। वो क्या कमियां रह गई थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो हम बनाने वाले हैं इस बोतल का गीज़र। पूरा 50 लीटर का बोतल है, हम इसका गीज़र बनाएंगे। मैंने पहले भी 2 गीज़र बना रखे हैं, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो मैंने सोचा अपन जो गीज़र बना रहे हैं उन 2 गीज़र की कमियों को भी दूर कर देंगे इस गीज़र में। ये गीज़र सक्सेसफुली काम करेगा दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी के साथ इसलिए कह सकता हूँ, मैं पहले भी गीज़र बना चुका हूँ, उसमें जो कमियाँ रह गई थी इस गीज़र में नहीं रखेंगे वो कमियाँ। चलो मैं आपको पहले पुराने गीज़र दिखा देता हूँ उसमें क्या कमियाँ थी, जो उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने बनाया था ये गीज़र नहीं है, गीज़र ये है। तो मैंने ये गीज़र बनाया था, ये पूरा 50 लीटर का था। इसमें एक कमी थी, यही कमी थी, वो मुझे पानी देखकर भरना पड़ता था भाई, पानी ढुल ना जाए, अपन का बह ना जाए, तो रोज़ पानी मुझे भरना पड़ता था, उसके बाद चलाना पड़ता था। चलिए ये गीज़र तो ये हो गया, इसमें मैं किसकी कमी बता दी है, मैं आपको ये दूसरे गीज़र भी बता देता हूँ उसमें क्या कमी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा दूसरा गीज़र ये है, मैंने इसको प्रॉपर गीज़र की तरह ही बनाया था और मैंने ये प्लास्टिक की बोतल में बनाया था। प्लास्टिक की बोतल के हिसाब से मैंने इसका टेम्परेचर रखा था, क्योंकि ये गीज़र एयर टाइट होता है, फिर भी ये गीज़र पंचर हो गया है, प्लास्टिक की बोतल पंचर हो गई है। इतना कम टेम्परेचर रखने के बावजूद भी जो मेरा ये वाला गीज़र भी फेल हो चुका है। अब अपन बनाएंगे 50 लीटर का गीज़र, वो पंचर भी नहीं होगा, सक्सेसफुली चलेगा। ये गीज़र भी मुझे उठाना पड़ेगा, चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक हीट रोड है, ये पुरानी है, पुराने गीज़र में से मैंने निकाल के लाया हूँ। मेरे पास सब पुराना ही रहेगा कि नया कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी यूज कर चुका हूँ कि ये पहले वाले गीज़र में से ही खोला है मैंने। तो इसको हम ऐसी जगह लगाएंगे, इस जगह, ताकि टंकी में पानी भरा रहे, यहाँ लगा देंगे। चलिए इसके लिए होल कर लेते हैं। हमारा ये फिक्स आ गया है, लेकिन ये अपना अंदर से कसाई में आएगा। अब अंदर से कैसे कसें, ये तो पूरा पैक है, हमें यहाँ पर इसको ग्राइंडर से काटना पड़ेगा। चलिए इसको काट लेते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है, ये देख लीजिए, ये तब से नहीं कट करना है, क्योंकि अपन इसको वापस भी पैक करना है। चलिए इसको चलिए आप ये थर्मास्टेट लगाते हैं, ताकि अपना पानी ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो ऑटोमेटिक कट हो जाए। थर्मास्टेट लगाना ज़्यादा कलाकारी नहीं है, अपने को इतना बड़ा होल करना है, बाकी बस ये यहाँ तक आ जाए, ताकि टाइट फंस जाए तो पानी लीकेज होने का डर ना रहे। हम इसके अंदर ये 2 इंडिकेटर भी लगाएंगे, ताकि हमें प्रॉपर पता लगे पानी गर्म हुआ है नहीं है, वाई अपन की सप्लाई आ रही, करंट की सप्लाई आ रही है नहीं। चलिए सब फिट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन वाले को इसके साथ जो रोड का एक वायर है उसके साथ कनेक्ट करना है, इसको थर्मा स्टेट में लगा देना है एक तरफ वाले। ये लग गया अपना एक थर्मा स्टेट में। दूसरा वाला लगाना अपन को है ना, हमें डायरेक्ट लाइन में ये वाला वायर मैंने लिया है अपने बोर्ड के, जो मेन बोर्ड है उसमें सप्लाई आएगी वो वायर है। हमें एक न्यूट्रल वाला वायर यहाँ जोड़ देना है, बढ़िया टाइट से जोड़ना है, ताकि ये अगर लूज रहेगा, गर्म होएगा तो तार जलेगा।
तो अपना रेड वाला इंडिकेटर जोड़ते हैं फाइनली। एक तो इसी कनेक्शन में जोड़ना है जो न्यूट्रल है। और एक जो अपने बोर्ड से मेन लाइन आ रही है उससे जोड़ना है। मेन लाइन आ रही है अपन यहाँ जोड़ेंगे। जो अपना ये ओपन वायर दिख रहा है उसको अच्छी तरह टेपिंग कर देंगे। अब मैं आपको मैं इसकी प्लम्बिंग का फिटिंग का सिस्टम समझा देता हूँ। मैं इसको जैसे ही ये मैंने भरने के लिए लगाया इनलेट के लिए टंकी अपनी भर जाए और मैंने इसमें एक बॉल सिस्टम लगा दिया है। ये आप देख पाओ तो पूरा बॉल सिस्टम लगा दिया है ये पूरा। अब जब भी अपनी टंकी फुल भर जाएगी ये तो बॉल से बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये अपना आउटलेट पाइप है तो मैं इसमें एयर का पाइप भी दे दिया है मैंने। इसमें बाद में एल्गो लगा दूँगा तो ये अपना आउटलेट पाइप है तो अपनी एयर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इसमें। ये पूरा गीजर की तरह सिस्टम कर दिया है। अब ये देख लीजिए मैंने ये थर्मामीटर भी लगा दिया है और ये अपना हीटिंग रोड है। ये तो मैंने हीटिंग रोड की फिटिंग इस तरीके से रखी है। मैंने थोड़ा पानी ऊपर ही रखा है ताकि अपना पानी जब भी खाली हो तो थोड़ा गर्म भरा हो रहे उसमें ठंडा पानी आए तो मिक्स होकर ज़्यादा टाइम ना लगाए गर्म होने में। ठीक है चलो मैंने इसकी भी फिटिंग समझा दी है। थर्मास्टेट की मैंने आपको वायरिंग बताई दी थी कैसे लगानी है। अब ये थोड़ा इसकी बता देता हूँ। जब भी आप इसको जितनी भी हाइट में लगाएं आपकी टंकी कैसी भी हो, मेरी टंकी यहाँ से इस तरीके से घूमी हुई थी तो मैंने इसको यहीं लगाया। अगर मैं थोड़ा नीचे लगाता थोड़ा पानी लीकेज होने की प्रॉब्लम रहती तो मैंने सीधी सिंपल जगह लगाया है। आपकी टंकी कैसी हो जितना नीचे हो सकता आप उसको उतना ही नीचे लगाना इसको और इससे थोड़ा ऊपर ये पानी आउटलेट का लगाना ताकि अपनी ख़त्म भी हो जाए तो इसमें जलने की दिक्कत ना हो। अगर ये वायरिंग अपन गलती से अपन का बटन ऑन भी रह गया तो ये जलने की दिक्कत ना हो तो अभी अपन को कोई ख़तरा ना हो। पानी भरा रहेगा टैंक में जो इसके ऊपर ही लगा रखा है। आप देख सकते हो कि मैंने कितना नीचे लगा रखा है ये कितना ऊपर लगा रखा है। ये थोड़ी सी अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें आप प्रॉपर कवर भी कर सकते हो किसी भी चीज़ से। इसमें यूँ लग करके किसी भी चीज़ से लाइट लगा सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। मैंने भी नहीं बनाया अभी मेरे पास, आप बना सकते हो। अब हमारा पूरा काम हो गया है। आप देख लीजिए अंदर से पूरी बॉल भी हो गई, टंकी हो गई। अब मैं इसको स्क्रू की मदद से यहाँ पर वापस टाइट कर दूँगा। तो अब इसकी जगह कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसकी जगह अपना गीजर लगाते हैं। पुराना गीजर हटा के ये गीजर रख दिया है और ये इंडिकेटर का मुँह मैंने इधर कर दिया है। और ये देख लीजिए अब ये है दिक्कत, मेरे पाइप छोटे पड़ रहे हैं पहले के मुकाबले तो इसमें बड़े पाइप लगा के मैं इसको फिक्स कर लूँगा। आप देख चुके हैं मैंने गीजर कितना शानदार बनाया है। इसमें मुझे खुद से पानी नहीं भरना पड़ेगा, फुल ऑटोमेटिक ही भर जाएगा। इसमें मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सुबह उठकर बटन दबाना है पानी गर्म। मुझे इसमें मैंने चेक करा ये पानी गर्म होने में पूरा एक घंटा लगा क्योंकि 50 लीटर का गीज़र है। आप इसमें छोटा गीज़र बनाओगे वो जाहिर सी बात है वो जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। जितने कम लीटर का बनाओगे उतना जल्दी पानी गर्म हो जाएगा। मैंने 50 लीटर का बनाया है उसमें मुझे एक घंटा लग गया है पानी गर्म करने में। मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है, सुबह उठा बटन चालू करो पानी गर्म हुआ मस्त तरीके से नहाओ। तो ये मुझे गीज़र पड़ा पूरा 750 रुपये का।
आपको ये गीज़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।